और भाई लोग नमस्कार, हम अविदान पांडे। लोग हमें प्यार से कहते हैं भैया जी, और भैया जी की नजरों से कोई छुप नहीं सकता। हम लिए हैं बॉलीवुड की खबरों की खबर अपने शो में, जिसका नाम है भैया जी की नजर से। हाँ तो भैया, ढिंचक पूजा से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। ढिंचक पूजा के गानों की धूम आजकल हर तरफ देखने को मिलती है। अब चाहे बात करें सोशल मीडिया या फिर खबरों की, ढिंचक पूजा हर तरफ छाई हुई है। आज हम उसी का आपको जीता जाता एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। हमारे बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर सोनू निगम भी ढिंचक पूजा के गानों को गाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। ये जो ढिंचक पूजा गाना है, दिलों का शूटर, इसको अगर 90s में इसकी ट्यून बनती और कुमार शानू जी को बोलते गाने के लिए तो वो ऐसे गाते हैं। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, आ आ दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, आ आ आगे वर्ड्स, कोई नहीं है मुझसे क्यूटर, दिलों का शूटर, आ आ। हाँ तो भैया, हमारे बॉलीवुड के जग्गा जासूस रणबीर कपूर, जिनके पास टैलेंट का भरमार है, वो एक अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, लेकिन आज हम आपके सामने उनका एक हिडन टैलेंट लेकर आए हैं जिससे शायद अब तक आप वाकिफ नहीं थे। भैया, हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आ रही है बाबू मशाई बंदूकबाज, जिसमें नवाजुद्दीन का एक फेमस डायलॉग है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न क्यों फटता है, कैसे फटता है और फटने पर आवाज क्यों होती है? अब आइए इसका उत्तर जानते हैं नवाजुद्दीन की जुबान। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तब बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे? काहे को उसकी फटरी होती है। हाँ तो भैया, हमारे जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा के मन में अभी भी ये चाहत है कि उनके दोस्त सुनील ग्रोवर, जो कि कपिल शर्मा का शो छोड़कर जा चुके हैं, वो वापस उनके शो में आए। आज हम आपके सामने कपिल शर्मा का अभी हाल ही का एक फेसबुक लाइव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कपिल शर्मा ने इस बात का जिक्र किया है। सुनील सर कब वापस आ रहे हैं? दोस्त है अपना, जब भी उनका दिल करे, मैं मिलकर भी आया था उनसे, और लेट्स सी। रश्मि जी, जी मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, और मैं मिला हूँ उनसे दो तीन बार, और ही इज़ लाइक ए ब्रदर। और खैर एनीवेज, जब भी उनका दिल चाहे वो आ सकते हैं। सो खैर एनीवेज, न्यूज़ आती रहती है, बहुत सारी न्यूज़ में अभी आजकल ये जो डिजिटल मीडिया पे भी एक छोटे छोटे चैनल बन गए हैं, जो मेरे ख्याल से ऑथोराइज भी नहीं होते हैं, और थोड़े थोड़े लाइक्स लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जैसे इन्होंने हमारी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी लिखा कि खाना खा लिया था टीम ने और मैं भड़क गया और इससे लड़ाई हो गई, और मेरे आने से पहले तो मैं भी उसी फ्लाइट में था, मैं कोई दूसरी फ्लाइट से इतनी कूदा था। तो ये सब चीज़ों में तो खैर अभी मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, शायद इसीलिए वो लोग पोक करने के लिए और ऐसी चीज़ें छापते हैं। सो आई डोंट केयर। हाँ तो भैया, इस हफ्ते जो फिल्म रिलीज हो रही है वो है रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जग्गा जासूस, जिसमें रणबीर कपूर एक जासूस की भूमिका निभाते नजर आएंगे। भाई आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं ये फिल्म देखने के बाद हमारी जनता जनार्दन का कुछ कहे। मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, क्योंकि मैं इस फिल्म को फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और बहुत टाइम से मैं रणबीर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उसकी कौन सी नेक्स्ट फिल्म आती है उस पर भी नज़र रखता हूँ। तो ये मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म। हाँ, म्यूज़िक बहुत पसंद है एक्चुअली। हॉलीवुड में भी बनती है म्यूज़िकल, कि लोग कम्युनिकेट करने के लिए म्यूज़िक यूज़ करते हैं, और इसमें तो कैरेक्टर ही है रणबीर का कि वो हकला था, इसलिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ही हैज़ टू सिंग। तो इसके लिए म्यूज़िक इज़ अप टू द मार्क, और दिखता है कि 4 साल क्यों दिए फिल्म को अनुराग बासु ने।
क्योंकि पहले से ही रणबीर और कटरीना न्यूज में रहते हैं, उनकी केमिस्ट्री, लव, ब्रेकअप, पैचअप जो भी है, केमिस्ट्री दिख के आती है स्क्रीन पे, क्योंकि पहले से भी हम लोगों को सबको पसंद है। तो इस फिल्म में भी आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी उनकी केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि एडवेंचर है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस है, लोग रो पड़ेंगे, हंस देंगे, तो ये सब कुछ है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सो आई वुड थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो पूरी निखर के आती है फिल्म। ये फिल्म काफ़ी डिफरेंट है और जिस तरीके से अनुराग बासु ने इस फिल्म को बनाया है, देख करके एक विजुअल ट्रीट है और देख करके लगता है कि काफ़ी मुश्किल फिल्म है जिसे बनाने की कोशिश की। 3 साल की मेहनत स्क्रीन पर दिखाई देती है और स्टोरी थोड़ी मतलब लेंथ वाइज थोड़ी ज़्यादा है जिसे अच्छे से एडिट किया जा सकता था, बट परफॉर्मेंस वाइज, सॉन्ग्स वाइज एंड बैकड्रॉप बैकग्राउंड का जो स्कोर है वो काफ़ी कमाल का। दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं एकदम विजुअल है, देखने लायक उनका। सब बढ़िया, सब बढ़िया, ऑल इन ऑल बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली एक बार तो जाके देख लेते हैं। अच्छी लगी मूवी, बट जस्ट फॉर द एक्टिंग, नॉट फॉर द एग्जीक्यूशन। स्टोरी वॉज ऑल्सो ओके बिकॉज एनीथिंग बहुत एक्सेप्शनल कोई स्टोरी अभी आई नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन। तो एक्टिंग रणबीर, नो डाउट, कैटरीना वॉज ऑल्सो गुड एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली। रणबीर और कैटरीना ही एक्चुअली मेन थे और जो रणबीर के फादर हैं ही इज़ ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब, ही इज़ एक्चुअली अ बेटर एक्टर आई थिंक फ्रॉम बोथ ऑफ देम। हाँ तो भैया था ही हफ्ता बॉलीवुड का पूरा समाचार। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे ऐसे ही बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरों के साथ अपने शो में जिसका नाम है भैया जी की नजर से। तब तक के लिए नमस्कार और